So since CAB यानी citizenship amendment bill जो कि अब एक act बन चुका है, इसको लेकर के बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन, धरने और आंदोलन हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनेंस की, पैसों की बात करूंगा कि कितना गवर्नमेंट को बियर करना पड़ सकता है इस एक्ट को एग्जीक्यूट कराने में। अगर मैं बात गवर्नमेंट की करता हूं तो इसका मतलब है कि आप और हम, क्योंकि कोई भी मुद्दा पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा जरूर हो सकता है, बट उसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट फंड से होता है। गवर्नमेंट के पास फंड कहां से आता है? आपके द्वारा और मेरे द्वारा पे किए गए टैक्सेस से। सो लास्ट झलक जो हमने देखी अभी एनआरसी की, वो था आसाम में। आसाम जो कि देश की आबादी का 2.4% हिस्सा है, वहां इस एक्ट को एग्जीक्यूट कराने में कुछ 6 साल का पीरियड लगा। 1200 से 1600 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर आया। अगर हम इस एक्सपेंडिचर को समझने की कोशिश करें तो पर इंडिविजुअल 399 रुपीज, तकरीबन 400 रुपए का खर्च आया आसाम में एक इंडिविजुअल पे एनआरसी कराने का। अब सोच के देखिए कि भारत के हिस्से का जस्ट 2% एरिया होल्ड करता है आसाम, और वहां इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए 1200 से 1600 करोड़ रुपए लगे, तो पूरे देश में 137 करोड़ की आबादी है, और इस आबादी में अगर 400 रुपए पर इंडिविजुअल के हिसाब से अगर एनआरसी का खर्च लगाया जाए तो कितना आएगा? तो टोटल अमाउंट बनेगा 54,663 करोड़ रुपए। ये कॉस्टिंग आएगी एनआरसी की। किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट कराने में जो खर्चे आते हैं उसको दो हिस्सों में समझा जा सकता है, एक प्री इंप्लीमेंटेशन और दूसरा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। तो प्री इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एनआरसी को इंप्लीमेंट करने से पहले कौन कौन से खर्चे आए, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? वो खर्चे हो सकते हैं, सर्वे का खर्चा हो सकता है, डेटा कलेक्शन का खर्चा हो सकता है, एनआरसी सेवा केंद्र का निर्माण हो सकता है, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है, और ये सारे खर्चे होते हैं प्री इंप्लीमेंटेशन, और इनका खर्च आया था 1200 से 1600 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि पोस्ट इंप्लीमेंटेशन की, अगर इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या करेंगे, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन डिटेंशन सेंटर्स में इन जो कि इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया होगा, उन्हें इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, या इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि एक डिटेंशन सेंटर को बनाने में कितना खर्च आता है और कितना खर्च हमें बियर करना पड़ेगा। तो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, रीसेंट रिपोर्ट है कि गुवाहाटी में एक डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है या ऑलमोस्ट कंप्लीशन को है, जिसमें 3000 इनलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जा सकता है, और इस डिटेंशन सेंटर की कॉस्टिंग यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ 45 करोड़ के आसपास की है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 19 लाख लोगों को इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए या इतने डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएं तो कितनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग आएगी। सो 19 लाख लोगों को इन डिटेंशन सेंटर्स में रखने के लिए कॉस्टिंग आएगी कुछ 30,000 करोड़। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग है। अब जिन लोगों को आप डिटेन करेंगे उन्हें गोली तो मार नहीं देंगे, उन्हें आपको रखना पड़ेगा या उनके कंट्री में डिपोर्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों को आप डिपोर्ट करते हैं उसमें डिपोर्टेशन की कॉस्टिंग भी आएगी। अभी तक भारत सरकार ने किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट नहीं किया है, इसलिए इस पे आने वाले खर्चे का एनालिसिस या इस पे आने वाले खर्चे का डेटा नहीं है। बात करते हैं मेंटेनेंस की, यानी जिन लोगों को आप इन डिटेंशन सेंटर्स में रखेंगे उनका मेंटेनेंस, उनके खाने और बाकी सारी चीजों का अरेंजमेंट एक जेल के कैदी की भांति इनको भी देना पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं कि डिटेंशन सेंटर्स में कितना खर्च आएगा। तो इसको सीधे सीधे हम आसान भाषा में अगर हम इसको कंपेयर कर लें जेल से, तो जेल में एक इंडिविजुअल की कॉस्टिंग कितनी आती है, तो पीछे आप नंबर देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल पे अराउंड 30,000 आती है एक साल का खर्चा एक इनमेट पे। यानी अगर किसी को आप इन डिटेंशन सेंटर्स में रखते हैं तो साल के 30,000 रुपए तो आपको खर्च करने पड़ेंगे उसके खाने और उसके रहने के बंदोबस्त के लिए। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर सिर्फ बात करते हैं असम की, अगर असम के इन 19 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रख दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है जो कि देना ही पड़ेगा, तो 30,000 पर इंडिविजुअल से अगर कैलकुलेशन करें, 19 लाख लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट निकल करके आता है 570 करोड़। 570 करोड़ रुपए का खर्च उन डिटेनीज को उन डिटेंशन सेंटर्स में रखने के लिए आएगा, और यह बात कर रहा हूं सिर्फ मैं असम की।
अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि इन डिटेंशन सेंटर्स को बनाने की जरूरत ही क्या है, भारत में ऑलरेडी इतने सारे जेल्स हैं, इन लोगों को पकड़ेंगे और उठा करके जेल में पटक देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। रीजन बिंग कि आप रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जो जेल्स हैं वो ओवरक्राउडेड हैं, एंड जितनी इनमेट्स को रखने की, जितने कैदियों की रखने की व्यवस्था है, उससे दुगने नंबर ऑफ कैदी या इनमेट्स वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो यानी जेल में स्पेस है नहीं। तो अगर आपके पास कोई इलीगल इमिग्रेंट है, उसको आप जेल नहीं बल्कि आपको डिटेंशन सेंटर में ही रखना पड़ेगा। तो ये तो था खर्चे का एनालिसिस, एक्सपेंडिचर का एनालिसिस, प्री इंप्लीमेंटेशन और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या ये सबसे सूटेबल वक्त है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने का, और वो भी तब जब जब देश का कोर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में है, अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा रेट पे है, जीएसटी कलेक्शन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंडियन इकॉनमी भी स्ट्रगल कर रही है, और तो और अगर हम गवर्नमेंट के ही डेटा, गवर्नमेंट के ही 2011 के सेंसस की बात करें, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 640 जिलों में से 540 जिलों में जो इनलीगल इमिग्रेंट्स की नंबर्स हैं वो लेस देन 0.5% हैं। तो इतने छोटे नंबर्स के लिए इतनी बड़ी कवायद या इतने बड़े एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा आएगा वो हमें और आपको बियर करना है। आप इस एक्ट के फेवर में हो सकते हैं, अगेंस्ट में हो सकते हैं, हर किसी का हक बनता है कि किसी भी एक्ट के CNB यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को जरूर करें कि कितनी कॉस्टिंग लगती है किसी एक्ट को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में, और क्या बेनिफिट्स निकल करके आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक हम किसी और नए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।